तो अब प्रारंभ करते हैं ये एनसीईआर की प्रश्नावली 11.2 और क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो पैराबोला का इक्वेशन दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसमें आपको शीर्ष नाभि नियता नाभिलंब ठीक है आदि ज्ञात करना है। सो हम लोग देख रहे हैं कि ये पैराबोला किस टाइप का है, ये इस टाइप का अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप, सॉरी ये माइनस साइन है इसलिए किधर नीचे की ओर, तो ये इस टाइप का पैराबोला है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब आपको देखना है यहां -4a इज इक्वल टू कितना है -16, ठीक। सो यहां से a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू 4 हो गई ठीक। तो अब अगर यहां लिखा जाए तो नाभिलंब, सबसे पहले नाभिलंब देखें, नाभिलंब कितना होता है l बराबर, वो तो हमेशा 4a, सो 4 इंटू ए, ए की वैल्यू 4, 4, 4 इंटू 4 यानी 16, ठीक। शीर्ष, शीर्ष क्या है वो तो इस टाइप में हमेशा 0, 0 ठीक है। फिर नाभि क्या होगी, नाभि आपने इस केस में 0 माइनस है, तो ये 0 माइनस a, a की वैल्यू कितनी 4, ठीक। शीर्ष नाभि ठीक है, और नियता कितनी होगी, नियता इस केस में नियता यहां ऊपर, तो y इक्वल टू a, नियता कितनी होगी y इक्वल टू a अर्थात y इक्वल टू 4 या y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये नियता का समीकरण होगा। नाभि नियता शीर्ष ठीक, अब अक्ष बता सकते हैं आप ठीक है, और ऐसे परवलय का अक्ष y अक्ष है और y अक्ष का समीकरण क्या होता है x इक्वल टू 0, तो अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0, नियता ये होगी नाभि है, ये आपको क्या करना है इससे तुलना कर देनी है ठीक है, और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसी के अनुसार इसके एलिमेंट्स। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे परवलय का समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसकी नाभि 0 माइनस 3 और नियता y इक्वल टू 3। सो आप चाहें तो इनको आरेखित कर सकते हैं, ना करना चाहे तो वो भी किया जा सकता है बिना आरेखित किए ठीक। ये देखें नाभि कहां पर है 0 माइनस 3, सो 1, 2, 3 ये बिंदु कितना है 0 माइनस 3 ठीक है। नियता कितनी है y इक्वल टू 3, 1, 2, 3 ये लाइन जो होगी डॉटेड लाइन ये नियता हो गई ऊपर ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो परवलय होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन उसमें वो नाभि और नियता के मध्य बिंदु से होकर जाता है और नाभि की ओर मुड़ा होता है, तो ये देखे ये 3 है ये भी 3 है इसलिए परवलय यहां से जाएगा और किधर मुड़ा जाएगा नाभि की ओर, ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब आप देख रहे हैं ये परवलय किस टाइप का है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay ठीक। तो ये चूंकि शीर्ष 0, 0 ही है इसलिए ये बिल्कुल यही समीकरण होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब a की वैल्यू यहां से यहां तक ये a है, ये भी a है,
क्योंकि इसके निर्देशांक ठीक है ये जीरो कॉमा माइनस है, माइनस ए की वैल्यू कितनी, दैट इज इक्वल टू जीरो माइनस ए, माइनस ए इक्वल टू थ्री, तो ए की वैल्यू क्या है थ्री, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर इंटू थ्री इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ट्वेल्व वाई। इंटरेस्टिंग है कि अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप व्यापक समीकरण से निकालें, ठीक, नाभि दी है और नियता दी है, तो आपने व्यापक समीकरण क्या पढ़ा, यहाँ पर कोई भी आप चार बिंदु लेंगे तो पी एस और पी एम दोनों की लंबाइयां कैसी होगी बराबर, ये एस ठीक एम ये ऊंचा बना दिया थोड़ा, तो पी एस इज इक्वल टू कितना हो गया पी एम, ये दिखने में कम बड़ी या छोटी दिख रही थोड़ा सा ये कम दे दिया है इधर आता तो बराबर ठीक, पी एस बराबर पी एम, तो पी एस कितना होगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर का अंडरूट, ये पी एस की लंबाई हो गई, और पी एम कितना हुआ इस लाइन पर डाले गए की लंबाई, तो पहले इस लाइन को जीरो करें वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाय अंडरूट एक्स का गुणांक है ही नहीं जीरो का स्क्वायर, वाई का गुणांक कितना है एक, एक का स्क्वायर की लंबाई समझता है, डिवाइड में अंडर रूट क्या रहता है एक्स के गुणांक का वर्ग धन वाई, दोनों पर वर्ग कर देंगे तो वर्ग भी घट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल ये हट गया वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्वल वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल नाइन नाइन कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल सिक्स वाई उधर जाएगा दैट इज माइनस ट्वेल्व, सो ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें जो वर्टेक्स है पैराबोला का वो 0-0 है और जो फोकस है वो -2-0 है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक। सो फर्स्टली आप इन दोनों पॉइंट्स को स्केच कर दीजिए, ठीक है, 0-0 मूल बिंदु हो गया, ये शीर्ष हो गया, ठीक है 0-0, और जो फोकस है नाभि है वो -2-0, सो -2-0 दिस वन इज -1 -2 दिस पॉइंट इज -2-0, ठीक। अब जो पैराबोला है वो नाभि की ओर मुड़ा होता है एस ए, ठीक है ए से जाएगा नाभि की ओर मुड़ा है, ये वाला पैराबोला होगा और ये आप पढ़ चुके हैं ये किस टाइप का है वाई स्क्वायर इक्वल माइनस फोर ए एक्स टाइप, तो अब इसमें कुछ नहीं वर्टेक्स 0-0 है, ठीक। तो आप जानते हैं कि अगर वर्टेक्स डिफरेंट होता ठीक तो हम लोग क्या करते थे कि ये यहां पर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर ये जीरो वर्टेक्स के लिए आया इज इक्वल टू -4a x - 0, अगर वर्टेक्स कुछ डिफरेंट दिया होता तो वो यहां लिखते, लेकिन उसी के अनुसार फोकस चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर ये आपने सिर्फ वो पार्ट पढ़ा है इसको, वैसे व्यापक समीकरण में कहीं भी नियता होती तो इसमें नियता ही लिखी होगी। फिलहाल तो ये कितना हो जाएगा a की वैल्यू दिस डिस्टेंस इज ए -2, सो दिस इज इक्वल टू 2, दूरी के लिए सिर्फ हम चिन्ह से कोई मतलब नहीं माइनस साइन यहां ले चुके, सो वाई स्क्वायर इक्वल -4 इंटू 2 इंटू एक्स एंड दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल -8x।
जैसा कहा जा रहा था अभी इसके पहले जो हम लोगों ने आर्टिकल किया उसमें अगर शीर्ष कहीं और होता ठीक, लेकिन ये अक्ष जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस होना चाहिए, तब आप इस टाइप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में प्रश्नावली 11.2 में जो 12th क्वेश्चन है वो है कि शीर्ष 0,0 और बिंदु 5,2 से जाने वाले उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जो वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। ऐसे परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया है, एक पॉइंट दिया जिससे होकर की हो जाता है, और यह दिया है कि यह परवलय वाई अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक है। तो देखें यहां पर अगर हम इस परवलय में स्केच इसका बनाना चाहे तो सबसे पहले तो बात शीर्ष 0,0 है एक, और 5,2, 1,2, 3, 4, 5, 1, 2 ये पॉइंट है जिससे होकर के परवलय जा रहा है, शीर्ष इस पर है और इसके प्रति सममित है अर्थात इसके दोनों ओर उसके भाग बराबर है ठीक है। तो ये परवलय है, ये इस टाइप का होगा, ये इधर वाला भाग और उधर वाला भाग दोनों सममित इस तरह का परवलय होगा ठीक है। तो अब ऐसा परवलय किस टाइप का होता है, तो अगर आप टाइप लिखें तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप ये है ठीक। तो कैसे इसका इक्वेशन निकालेंगे, शीर्ष 0,0 है, इसमें भी शीर्ष 0,0 होता है, सिर्फ एक पॉइंट है 5,2 उससे होकर के जा रहा है, तो 5,2 इसमें रख करके आप स्मॉल ए की वैल्यू याद कर सकते हैं। सो दैट विल बी 5² = 4, 8 × y = 2, सो a = 25/8। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, पैराबोला ये हो जाएगा x² = 4a की वैल्यू 25/a × x, sorry y, तो 4ay, तो यहां से 4 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा 2x² = 25y। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12।
तो नाभि अब आपको निकालना है, ठीक है। तो नाभि इस फॉर्म के लिए, इस रूप जो होता था ये, इसके लिए आपने नाभि का कोऑर्डिनेट क्या था, जीरो ए। तो क्या हो जाएगा ये, कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो और कैपिटल वाई इक्वल टू ए, जीरो ए। तो कैपिटल एक्स कितना है, दैट इज एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू थ्री। और कैपिटल वाई इज वाई प्लस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू, ए इक्वल टू वन, फोर ए इक्वल टू फोर, तो ए इक्वल टू कितना है वन, सो वाई इक्वल टू जीरो। तो यहां पर नाभि क्या मिल गई आपको, नाभि हो गई थ्री जीरो। अब बात आती है कि हमको ये नियता निकालना है, नियता, नियता का समीकरण इस फॉर्म के लिए नियता कितनी थी, y इक्वल टू माइनस नीचे रहेगी ये y, इस तरह का फॉर्म था, ठीक, ये नियता y इक्वल टू माइनस, सो y इक्वल टू कैपिटल y इक्वल टू माइनस a, ठीक। तो कैपिटल y इज y प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन ए की वैल्यू, सो y इज इक्वल टू माइनस टू, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स नियता का समीकरण हो गया। अब बात आती है अक्ष, ठीक, इसके लिए अक्ष क्या था, ये इस टाइप का वाई अक्ष था, वाई अक्ष का समीकरण एक्स इक्वल टू जीरो, सो यहां पर अक्ष होगा अक्ष कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, अब कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक।